गाइस आप सभी को पता है आज अवेंजर्स और मेरी फैमिली पूरी दुनिया को अपने जायंट जायंट सूट दिखा रहे हैं। वैसे मेरे पास भी एक गोल्डन लावा का सूट है। देखिए सामने अवेंजर्स के और मेरी फैमिली के कितने बड़े सूट हैं और यहाँ पर दुनिया भर से फैंस उन सूट को देखने आए। खैर मैं भी तो एक अवेंजर्स की फैमिली का हिस्सा हूँ, मैं भी तो अपनी फैमिली का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं भी अपना सूट लेकर आया हूँ। अरे फ्रैंकलिन ये मच्छर को लेकर जाए यहाँ से वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। क्या उसको मच्छर मत बोलो यार। अरे मच्छर ही तो है, बिल्कुल मच्छर है दोस्तों। अरे हाँ वो गोल्डन लावा का सूट नहीं है, वो तो लकड़ी सूट है। बिल्कुल सही क्या उठिन की कसम, उसको तो ऐसा लगता है कोई बीमारी हो। आवाज साहब बिल्कुल सही क्या फ्रैंकलिन भैया, आप तो हमारी बेइज्जती कराएंगे। यही बिल्कुल सही कहे। क्या यार मैंने माना तुम्हारे सूट इतने ज्यादा विशाल है, इतने ताकतवर है, लेकिन मुझे एक मौका दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे सूट से भी ज्यादा ताकतवर गोल्डन लावा गॉड बन के दिखाऊंगा। यहाँ तक कि मैं कोई सिंपल गोल्डन लावा गॉड नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड। अब फ्रैंकलिन आपको ज्यादा हो रहा है, हमारे सूट एक बार देखना कितने ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही कहा है, देख लो दुनिया वालों ये फ्रैंकलिन का सूट कितना ज्यादा बेकार है, इसको तो पीट के भगाना चाहिए। अरे हाँ इसको पीट कर भगाओ। अरे भाई बिल्कुल सही कहा, इसको पीट कर भगाओ। अरे इसको पीट कर भगाओ, यहाँ से फ्रैंकलिन का गोल्डन लावा नहीं है, वो बिल्कुल बेकार सूट है, इसको पीट कर तो मैं भगाऊंगा। ओए फ्रैंकलिन हमारे प्यारे एवेंजर्स और सिंचन पिंचन चौप के बीच ये तेरा बेकार सा सूट कहाँ से आया? नहीं ये क्या कर रहे हो आप अंकल जी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ और आप मेरी मेहनत के सूट को तबाह कर रहे हैं। अरे इसके साथ यही होना चाहिए था। अरे फ्रैंकलिन तेरे सूट के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए इन्होंने। ओह नो अंकल जी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अबे रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ, तेरे जैसे को तो मैं 3 दिन बाद पेटूं। अरे बाप रे ये क्या है, इस अंकल ने क्या किया? अंकल मैं तुझे ये ले तेरी, तो यहाँ से निकल जा, बड़ा है यहाँ पर मेरे सूट को बुरा बोलने वाला। देख लेना मैं ना तुम लोगों के सामने ही अपने सूट को फिर से ठीक करके दिखाऊंगा। फ्रैंकी भैया पागल हो गए। अरे बाप रे बड़ा घमंडी बच्चा है ये, गोली मारो इसको। गोली मारो अभी बताता हूँ। गाइस देखिए कितना गलत कह दुनिया वालों ने, मेरा प्यारा गोल्डन लावा सूट इन्होंने तोड़ दिया, दो हिस्सों में बदल दिया। आइडिया क्यों ना गाइस इन सूट को दोनों को मैं एक कर दूं। वाह मैंने इसको अटैच कर दिया है। गाइस आप ना प्लीज मेरे लिए वीडियो लाइक करो, अगर आप अपने फ्रैंकलिन पर यकीन करते हो कि आपका फ्रैंकलिन इन अवेंजर्स से भी बढ़िया ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड का सूट बनाएगा तो प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। फ्रैंकलिन कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा है, मैं यहां पर मेहनत कर कराऊंगा। वाह मैंने इतना प्यारा ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड का सूट तैयार कर लिया। अवेंजर्स और दुनिया वालों देख लो मैंने सिर्फ 1 घंटे में सूट को इतना बढ़िया बनाया। सोचो जब मेरे पास 2-3 महीने होंगे तो मैं सूट को अवेंजर्स से भी करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा बना लूंगा। अजी वाह फ्रैंकलिन भैया आपका सूट तो बड़ा अच्छा है। अरे वाह फ्रैंकलिन। अरे भाई फ्रैंकलिन सॉरी हमें माफ कर दे, तेरा सूट तो यार अवेंजर्स से भी बढ़िया लग रहा है। क्या बात है गाइस, दुनिया वाले मेरी बढ़ाई कर रहे हैं। अरे बाप रे फ्रैंकलिन ये क्या हो गया? अरे बाप रे बच्चा, अरे कोई बच्चा हम मर गए। ओह नो ये क्या हो गया, 100 से चारों तरफ से तबाही के सिस्टम। अरे बाप रे कोई है, कोई प्लीज हमें बचाओ। फ्रैंकलिन भैया ये सब क्या हो रहा है, इस तबाही को रोक के हम सब मर जाएंगे। अरे फ्रैंकी भैया ये क्या हो रहा है, बाबा सब फ्रैंकलिन बचा ले। अरे बाप रे फ्रैंकलिन बचा ले हमें, हम तो यहाँ पर मर जाएंगे। ओह नो ये कौन गिर रहा है ऊपर से? ओ एक मिनट ये तो रियल गोल्डन लावा गॉड है। अरे बाप रे गाइस रियल गोल्डन लावा गॉड को किसने मार दिया? ओह नो यहाँ पर जब इसके भाई को पता चलेगा जो कि रेड लावा गॉड है उसको कितना बुरा लगेगा। अरे बाप रे कोई है, कोई प्लीज हमें बचाओ। उठिए क्यों सब हमें बचा लो। ही फैकी भैया बचाइए, हमारे सूट भी तबाह हो रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन बाबा साहब फ्रैंकलिन बचाओ, मैं कैसे बचाऊं गाइस, कोई प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। ये सब क्या हो रहा है? अरे भागो भागो सब कुछ तबाह हो गया अवेंजर्स की वजह से। बिल्कुल सही कहा, ये अवेंजर्स नहीं इस गोल्डन लावा गॉड को मारा है। बिल्कुल सही कहा, अवेंजर्स ही यहां पर गुनहगार हैं और अभी फ्रैंकलिन की फैमिली। क्या एक मिनट ये दुनिया वाले हमें दोष क्यों दे रहे हैं? फ्रैंकलिन भैया दुनिया वाले हमें मार देंगे, ये कैसा क्यों सोच रहे हैं कि हमने गोल्डन लावा गॉड को मारा है? हल्क ने किसी को नहीं मारा, हल्क ने सिर्फ बर्गर को मार के खाया है। अरे बाप रे कोई बचाओ प्लीज। ओह नो गाइस यहां पर जितने भी लोग थे सब के सब मर चुके हैं। ओह नो मेरा सूट भी तबाह हो गया और मैं अपने सूट से बाहर निकल गया। अरे बाप रे मैं कैसे बचाऊं किसी को, यहाँ पर तो मैं खुद बचने लायक नहीं हूँ। अरे गाइस दुनिया वाले ऐसे क्यों बोल रहे थे कि मेरी और अवेंजर्स की गलती की वजह से ये सब हुआ? नो ऐसा नहीं हो सकता फ्रैंकलिन, ये सब क्या हो गया? एक मिनट हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हल्क को ये लोग जलाने वाले हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया नीचे देखिए चारों तरफ गोल्डन लावा फैला है, पानी गोल्डन लावा बन गया है। क्या पानी गोल्डन लावा बन गया है? बिल्कुल बन गया है तुम्हारी गलती की वजह से। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर सारे इंसानों ने यही बताया है, अवेंजर्स यहाँ पर नाकामयाब रहे इसीलिए गोल्डन लावा गॉड मर चुका है, इसी वजह से पूरी दुनिया का पानी अब गोल्डन लावा बन चुका है, इसलिए अब
तुम उसी में गिर के मरोगे। बिल्कुल सही कहा, इन सबको मार दो, अल्लाह मार दो। बिल्कुल सही कहा, मार दो इनको। ओह नो, आइस गॉड भी हमें बोल रहा है। मैं भी बोलता हूँ इनको मार दो, बर्बाद कर दो। अरे मैं भी सहमत हूँ, मार दो। ये तो रेड स्काई गॉड है फ्रैंकलिन, सबके सब हमारे खिलाफ है। ये बोल रहे हमारी वजह से गोल्डन लावा गॉड की मौत हुई है। और देख हमारा प्यारा भाई गोल्डन लावा गॉड नीचे पड़ा है। मेरा सपना था गाइस मैं ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड बनूं। और देखिए पानी को क्या हुआ है, पूरा का पूरा गोल्ड बन गया ये। लेकिन गाइस ये कोई नॉर्मल गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड लावा है। इसमें जलकर मर जाएंगे हम सब। बहुत हो गया, अब जाओ मरने, हल्क छोड़ दे। अरे मुझे छोड़ दे, ओए रंग बिरंगे हल्क, ओए तुझे शर्म नहीं आती, अब तुम मरोगे। नहीं गाइस ये रेनबो हल्क तो सबको मार रहा है, प्लीज। रुक तुझे बताता हूँ किले बाद में। बाबा साहब, बाबा फ्रैंकलिन, यही फैकी भैया, यही यही फ्रैंकलिन भैया। अरे मेरे को तो गिरा दिया। तुम सब के सब इस गोल्डन लावा में गिर के मरोगे। नहीं फ्रैंकलिन, तुझे हमें बचाना होगा। फ्रैंकलिन उठिन की कसम, अरे फ्रैंकलिन तुझे हमें बचाना होगा। नहीं फ्रैंकलिन प्लीज, वादा कर तू हमें बचाएगा। मैं बचाऊंगा, तुम सबको बचाऊंगा। खुद को तो बचा नहीं पाया, तेरी वजह से गोल्डन लावा गॉड बन गया और मर भी गया, अब तू मरेगा। कोई बचाओ मुझे। मैं तो गोल्डन लावा गॉड की बॉडी में टकरा गया। एक मिनट, मैं तो नीचे आ गया। ओ नो, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे जल्दी बाहर जाना पड़ेगा। गाइस मैं अभी बच सकता हूँ, मैं अभी भी ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड बन सकता हूँ। पिंचन पिंचन, मैं तुझे बचा लूंगा मेरे भाई, रुक जा। ओ नो पिंचन कुछ बोल नहीं रहा है। गाइस मेरा यहाँ पे दम घुट जाएगा, मुझे अभी बाहर जाना होगा। पिंचन मुझे माफ करना, मैं तुझे बचाने जरूर आऊंगा। गाइस बाकी के एवेंजर्स सिंचन पिंचन और चॉप ये सब कहाँ गए? देखिए गाइस यहाँ पर पानी को क्या हो गया, पूरा का पूरा गोल्डन लावा गॉड से भर गया। अरे बाप रे, और गोल्डन लावा से। ओ नो, धरती पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, इस तरह से तो यहाँ सब जमा होकर मर जाएंगे, सब जलेंगे पूरी तरह से। ये क्या? ओ नो, मुझे तो बहुत ज्यादा बुरी आग लग रही है। कोई है? प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज। मैं यहाँ पर किसी भी हालत में दुनिया का ताकतवर गॉड बनूंगा। बिल्कुल सही कहा, मैं भी बनूंगा। एक मिनट, ये तो टोनी स्टार्क की आवाज है और सिंचन की आवाज है। टोनी स्टार्क, सिंचन कहाँ हो तुम? गाइस उनकी आवाज मुझे पानी में से आ रही है। एक काम करता हूँ, मैं ड्रोन से चेक करता हूँ कि असल में वहां पर हो क्या रहा है। बिल्कुल टोनी भैया, जितना भी सोना है बाहर निकालो। बिल्कुल बाहर निकालते हैं, इस धरती का सारा सोना बाहर निकालूंगा, चाहे आज मरी क्यों ना जाऊं। बिल्कुल सही कहा, हमें बहुत ताकतवर गॉड बनना है। एक मिनट, ये धरती में क्यों छेद कर रहे हैं गाइस? ये बोल रहे हैं धरती में इनको लिटरली में सोना मिलेगा। ओ माय गॉड, ये तो जल भी रहे हैं यार गोल्डन लावा की वजह से। प्लीज गाइस बाहर आ जाओ, शायद मेरी आवाज नहीं सुन सकते। अरे वाह सिंचन, हमने कर दिखाया, हम अपनी फैमिली का बदला लेंगे। बिल्कुल सही कहा, हम साबित करके देंगे हमने गोल्डन लावा गॉड को नहीं मारा। फ्रैंकलिन भैया नहीं बचे, कोई नहीं बचा। ओ नो गाइस, मैं जिंदा हूं यार, मेरी बात तो सुनो। सिंचन जल्दी चल, वरना हम यहां पे लिटरली में मर जाएंगे। हम इस गोल्ड की ही वजह से गॉड बन सकते हैं, वरना हम खत्म हो जाएंगे। गाइस सिंचन एंड टोनी स्टार्क को 400 मिलियन डॉलर का गोल्ड मिल गया, वो भी एक ट्रक में। पता नहीं दोस्तों इनको पता कैसे था इस बारे में। खैर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये लोग जा कहां रहे हैं इस गोल्ड से भरे हुए ट्रक को लेकर? मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। कम ऑन फ्रैंकलिन, तू कर सकता है। अरे बाप रे, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, पूरी स्पीड में भागो। एक मिनट गाइस, ये क्या? सामने तो डॉक्टर मिक्सिट है। डॉक्टर मिक्सिट यहां पर क्यों है? पहली बार डॉक्टर मिक्सिट को शहर में दुकान खोले हुए देख रहा हूं। अरे हमें जल्दी से प्लीज कोई स्मार्ट लैपटॉप दो, जिसके इस्तेमाल से हम गॉड बन सके। और बच्चे, उसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा, हमारे पास 400 मिलियन डॉलर है, इसमें से जितना भी चाहिए प्लीज ले लो। ये ले लो पूरे 200 मिलियन। क्या? लैपटॉप के लिए इन्होंने 200 मिलियन डॉलर का गोल्ड दे दिया, वो भी डॉक्टर मिक्सिट को? ओह माय गॉड गाइस, जरूर उस लैपटॉप में कोई खास बात होगी। चलिए टोनी भैया, हमें इस दुनिया को दिखाना होगा कि हम कितने ताकतवर हैं। गाइस मुझे अभी और इनका पीछा करना होगा, मैं देखना चाहता हूँ असल में उस स्मार्ट लैपटॉप में ऐसा क्या है कि जो इन लोगों ने लिटरली में इतने महंगे में खरीद लिया। एक मिनट, ये जंगलों में आकर एकदम सुनसान सूखे रास्ते पर यहाँ पर अपनी ट्रक को क्यों रोक दिए? और बाकी के बचे 200 मिलियन से ये क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फ्रैंकलिन मेरे भाई, मैं तेरी जान का बदला लूंगा, तो चिंता मत कर, बस यहाँ पर जल्दी से इस वेबसाइट खोल लेता हूँ। अरे गाइस मैं तो जिंदा हूँ, पर एक मिनट, ये क्या लिख रहा है? ऑल फादर डायमंड गॉड सूट शॉप। अरे वाह टोनी भैया, जल्दी से खरीदो। हाँ हम 200 मिलियन डॉलर में 3-हेडेड जायंट ऑल फादर रेड एंड पिंक एंड पर्पल डायमंड गॉड का सूट खरीद लिया है। क्या? ये लिटरली में 200 मिलियन डॉलर में ऑल फादर रेड एंड पर्पल डायमंड गॉड का सूट खरीद लिया? गाइस मुझे भी यहाँ पर इस तरह का सूट खरीदना है, मुझे भी यहाँ पर टोनी स्टार्क एंड सिंचन के साथ मिलकर अपनी फैमिली के लिए लड़ना है, उनके नाम से लगा कलंक हटाना है, और ये भी पता करना है कि गोल्डन लावा गॉड को किसने मारा है। चलो गाइस जल्दी चलते हैं और डॉक्टर मिक्सिट से एक लैपटॉप लेते हैं। एक मिनट, अरे बच्चे जितना भी गोल्ड है तेरे को 3 घंटे में मेरे घर पहुंचानी होगी। अरे सर जी, उसके लिए मुझे 1 मिलियन डॉलर की कमीशन चाहिए। ठीक है बच्चे ले लियो। गाइस डॉक्टर मिक्सिट यहाँ पर बिजी है, तब तक मैंने ना यहाँ पर इनका एक लैपटॉप चुरा लिया है, अब मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, मैं ना सबसे पहले दुनिया में जितना भी यहाँ पर पानी गोल्डन लावा बन गया है उसको
ठीक करूंगा। इसके लिए मुझे जल्दी से ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड बनना होगा। ऑलराइट गाइस, मैंने यहां पर एक वेबसाइट तो खोली है, एक मिनट मैं आप सभी को भी दिखाता हूँ। ये थोड़ी अजीब सी वेबसाइट है, ये देखिए, अरे ये तो लॉक्ड है यार, अब ये लॉक करता हूँ। हो जा, एक मिनट, ऊपर लिख रहा है ऑल फादर गोल्ड लावा गॉड सूट शॉप। वाह गाइस, एक मिनट, इसका $15 का सूट भी है और 450 मिलियन का भी है। खैर $15 वाला खरीदता हूँ। एक मिनट गाइस, मैं तो सच में गोल्डन लावा गॉड लग रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे पास पावर्स भी है? अरे वाह, मैं जंप भी लगा सकता हूँ। खैर दोस्तों, अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर गोल्डन लावा गॉड के पास चलना होगा, जो कि असली वाला गोल्डन लावा गॉड है। और मैंने सुना है उसके पास दो एलिमेंटल पावर है, एक है उसके पास गोल्डन एलिमेंटल एग और एक है पास उसके पास नॉर्मल एलिमेंटल एग। मैंने सुना है गाइस, अगर इस दुनिया के पानी को वापस से नॉर्मल करना है, गोल्डन लावा से इसको नॉर्मल पानी बनाना है, तो मुझे इस गोल्डन गॉड के हेड के अंदर जाना होगा और इसके मुंह से इस वाले सिंपल वाले एग को फोड़ना होगा। लेकिन एक मिनट, यहां पर जो गोल्डन एग था वो कहां गया? गाइस लगता है जिसने हमारे प्यारे गोल्डन लावा गॉड को मारा है उसने वो चुरा लिया होगा और ये वाला एग छोड़ दिया, जिससे कि दुनिया कोई ठीक ना कर दे। गाइस ये बहुत ज्यादा गर्म है यहाँ पर, बेशक मैं ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड का छोटा वर्जन हूँ, लेकिन फिर भी ये पानी मुझे जला रहा है। एक मिनट, यहाँ पर एक लावा प्रूफ लिटरली में बोट पड़ी है यार, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर ये बोट इतनी ताकतवर होगी कि गोल्डन लावा से लड़ सकती है। ऑलराइट गाइस, अब जल्दी से जाते हैं और जाकर गोल्डन लावा गॉड का वो एलिमेंटल अंडे को ब्लास्ट करते हैं, मतलब फोड़ देते हैं। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ये गोल्डन लावा लिटरली में पानी में से ऊपर क्यों उठ रहा है? नहीं, लगता है गाइस कोई यहाँ पर आ गया है। मेरे भाई की ताकतें अब मेरी होंगी। एक मिनट, गोल्डन लावा के भाई दो हैं, एक है आइस गॉड और एक है लावा गॉड, लेकिन यहाँ पर दोनों ही नहीं है। वैसे लावा गॉड शुरू में था और नहीं, आइस गॉड था गाइस वो तो। एक मिनट, अरे बाप रे, कौन लेकर जा रहा है मेरे गोल्डन लावा गॉड को ऊपर? अरे नहीं 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 गाइस, ये तो पूरा ऊपर उठ गया, अब मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। देखिए यार कितना ऊंचा उठ गया ये पानी से, बेचारा ये तो मर चुका है, इसको तो पता नहीं किसने मारा है और पता नहीं कोई इसके साथ क्या चाहता है। अरे वाह, मैंने तो अपनी बोट ही उड़ा दी और मैं लिटरली मैं गोल्डन लावा गॉड की बॉडी के एकदम टॉप पे आ गया। कम ऑन फ्रैंकलिन, तुझे चल से चल गोल्डन लावा गॉड का वो एलिमेंटल अंडा लेना होगा और उसको ब्लास्ट करके पूरी दुनिया के पानी को नॉर्मल करना होगा। जल्दी चलता हूँ, जल्दी चलता हूँ। अरे बाप रे, एक मिनट, मेरे भाई तेरा एलिमेंटल एग तो कोई और ले गया, लेकिन दूसरा वाला मेरा होगा। नहीं, ये क्या, लावा गॉड यहाँ पर लिटरली में अपने मरे हुए भाई की एलिमेंटल पावर्स को चुराने आया है और इसका दूसरा गोल्डन एलिमेंटल एग कौन ले गया है? ये बात तो यहाँ पर लावा गॉड को भी नहीं पता। तू कौन है कीड़ा, पहले तू निकल। अरे बाप रे, मैं यहाँ पर दुनिया को बचाने आया हूँ इस कर्ज से, इस गोल्डन लावा से जो पूरे पानी में फैल गया है। प्लीज मुझे सब ठीक करने दो, मैं दुनिया में ऑल फादर लावा गोल्डन गॉड बनूंगा। हाँ, तेरे बस की कुछ नहीं है गाइस, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। आइडिया यार, गोल्डन लावा गॉड एक गोल्ड से बना हुआ है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर गोल्डन लावा गॉड की बॉडी में से थोड़ा बहुत गोल्ड निकाल लूं। गाइस ऐसा पॉसिबल है, मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, बाकी आप प्लीज वीडियो लाइक जरूर करना। अरे वाह गाइस, यहाँ पर गोल्डन लावा गॉड की बॉडी में से लिटरली में 3 नहीं 4 गोल्डन क्रेट्स निकल गए हैं। देखते हैं दोस्तों ये कितना गोल्ड होगा, क्या पता इसकी वजह से मुझे ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड का कोई बढ़िया सा नया सूट मिल जाए। चेक करते हैं, अरे क्या बात है दोस्तों, ये तो यहाँ पर पूरे $40 मिलियन मिल गए। खैर इतने पैसों में मैं जरूर ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड की वेबसाइट से कोई बढ़िया सा सूट खरीद लूंगा। देखिए गाइस, $40 मिलियन में एक सूट तो है जो कि बीच में एकदम, मतलब बीच में नहीं टॉप पे थोड़ा सा। अरे वाह, ये भी गोल्डन ही है। अब ये काम करते हैं, जल्दी से इसको बाय करते हैं। गाइस क्या बात है, मेरे अंदर तो रेज बूस्ट भी आ गया है, मतलब अब मैं यहाँ पे लंबी लंबी जंप्स लगा सकता हूँ और इस लावा गॉड की बैंड बजा सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर गोल्डन लावा का एलिमेंटल एग लेने से कोई नहीं रोक सकता। ए बच्चा रुक जा। नहीं रुकूंगा मैं यहाँ पर प्यारे गोल्डन लावा की सारी पावर्स को रिलीज कर दूंगा, जिससे कि दुनिया का जितना भी पानी है वो नॉर्मल हो पाए। पता नहीं बेचारे गोल्डन लावा गॉड को किसने मारा होगा। एक मिनट गाइस, देखिए सामने ये रहा एलिमेंटल एग। खैर यहाँ पर एक और एग था, उसको भी हम ढूंढ लेंगे, जल्दी से उसको लेकर चलता हूँ। बाहर निकाल। खैर गाइस, मुझे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बाहर लाकर इस एलिमेंटल एग को फोड़ूंगा तो जितना भी पानी है नॉर्मल हो जाएगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं अवेंजर्स को जान से मार दूंगा। क्या अवेंजर्स जिंदा है? बिल्कुल सही कहा, सब जिंदा है, मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी फैमिली को भी बचाऊंगा और इस दुनिया को भी। देखिए गाइस, जैसे मैंने अंडा फोड़ा यहाँ पर पूरी दुनिया का पानी नॉर्मल हो चुका है। तूने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कुछ गलती नहीं की, मैंने अपनी दुनिया को बचाया है, मैं यहाँ पर इसी तरह से दुनिया को बचाता रहूंगा। बहुत हो गया, अब देख मैं जा रहा हूँ अवेंजर्स के पास और सिंचन पिंचन चॉप के पास, उनको जिंदा जलाने, उनको खाने। नहीं गाइस, मुझे लावा गॉड को
रोकना होगा। नहीं 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 नहीं, वो तो सीधा अवेंजर्स के पास जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंचैन को और टोनी स्टार्क को देखा था जिंदा, बाकी सब तो मर गए थे, वो जिंदा कैसे हो गए? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। खैर इस बात का पता तो हमें वहीं जाकर लगेगा। जल्दी जाता हूँ, उस लावा गॉड का पीछा करता हूँ। प्लीज गाइस आप सभी मेरे साथ रहना। अरे बच्चे रुक जा रुक जा, बच्चे रुक जा। एक मिनट सर, ऑफिसर क्या हो गया? अरे बच्चे तूने हमारी दुनिया का बहुत भला किया, पूरी दुनिया के पानी को तूने गोल्डन लावा से नॉर्मल कर दिया, सरकार तो उससे बहुत खुश हुई है। अरे क्या बात है, सबको पता चल गया? बिल्कुल सबको पता चल गया, सब एटी गेमर के वीडियो देखते हैं। एक काम करते हैं, हम तुझे इतना पैसा देते हैं, जा दुनिया बचा। क्या बात है गाइस, मैंने 70 मिलियन डॉलर का काम किया था। क्या बात है, मुझे पता भी नहीं था। खैर जल्दी जाते हैं और जाकर 70 मिलियन डॉलर में ना हम एक और ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड का सूट खरीदेंगे, जिससे कि यहाँ पर हम अपने टोनी स्टार्क और बाकी एवेंजर्स को बचा पाए उस लावा गॉड से। ऑलराइट गाइस, देखिए 70 मिलियन डॉलर में एक हॉर्न्स वाला जायंट ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड का रिवेंजर हल्क वर्जन मिल गया मुझे। ओ माय गॉड, अब तो लिटरली मैं लावा गॉड को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी फैमिली को वो वापस से मारने गया, जल्दी जल्दी चला पड़ेगा। ये हमें कोई बचाए प्लीज। एक मिनट, ये सिंचैन क्यों रहा है? सिंचैन के पास तो 3-हेडेड जायंट ऑल फादर डायमंड गॉड का सूट था ना यार, ये सब क्या हो रहा है? इन सबको मार दो, बिल्कुल इन सबको मार दो, ये दोबारा जिंदा हो गए फिर मारो, इन्हीं की वजह से हमारा गोल्डन लावा गॉड मरा है। नहीं ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं दुनिया वाले, लावा गॉड उनको खत्म कर दे, उनको भस्म कर दे। बिल्कुल सही कहा लावा गॉड, तू यहाँ पर क्यों रुका हुआ है? जल्दी से एवेंजर्स की फैमिली को मार दे और फ्रैंकलिन मेरे से ही मार दे। नहीं, अब ये मेरा गुलाम है, मैं जिंदगी भर इनसे गुलामी करवाऊंगा। नहीं हमें गुलामी नहीं करनी है, हल्क को भी गुलामी नहीं करनी है, बाबा सब मेरे को भी नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी है गुलामी। हल्क को प्लीज यहाँ से जाना है, मुझे भी जाना है, प्लीज जाने दे, किसी भी हालत में जाने दे। वाह गाइस, एक जगह पर मुझे खुश हो रही है, मेरी एवेंजर्स की फैमिली जिंदा है, और दूसरी जगह दुख हो रहा है कि लावा गॉड ने बहुत गलत किया। लावा गॉड छोड़ दे, देख लो दोस्तों यही फ्रैंकलिन है, देखो अब ये मुझे मारने आया जैसे उसने मेरे भाई को मारा था। क्या तू झूठा है, तू अपने भाई की पावर चुराने आया था जब वो मर गया था। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुझे रोकने आया था, अभी मारता। नहीं मैंने उन पावर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बचाया है। ये झूठ बोलता है फ्रैंकलिन, बिल्कुल सही कहा, मार दो फ्रैंकलिन को। अरे हां मार दो फ्रैंकलिन को। ओह नो गाइस, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे सबसे पहले दुनिया के सामने सच बाहर लाना होगा, ये पता करना होगा कि गोल्डन लावा गॉड को असल में मारा किसने, जबकि यहां पर लिटरल में इल्जाम मेरे एवेंजर्स पर और मुझ पे लग गया है। एक मिनट गाइस, मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है, आइस गॉड शुरुआत में तो था जब गोल्डन लावा गॉड की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद से वो बिल्कुल नहीं दिखा, और अब ये बिल्कुल दुनिया के कोने में क्या कर रहा है? मेरे भाई को मारकर मुझे काफी मजा आया। ये क्या कह रहा है गाइस? एक मिनट, एक भाई दूसरे भाई को कैसे मार सकता है? मैं गलत सुन रहा हूं क्या? व्हाट, ये क्या? और मैंने उसका गोल्डन एलिमेंटल एग भी चुरा लिया, जिस वजह से अब मेरे पास गोल्ड लावा की पावर्स हैं, और आइस गॉड तो मैं हूं ही। एक मिनट तो भी सोचू, गोल्डन लावा गॉड का एलिमेंटल एग कहां है? वो इसके पास है गाइस, ये है जिसने यहां पर हमारे प्यारे गोल्डन लावा गॉड से हमसे छीन लिया और इल्जाम अवेंजर्स और मुझ पे लगा दिया। हे तू अब बचने नहीं वाला है। एक मिनट, तू कौन है बच्चे? मेरा नाम फ्रैंकलिन है। तू जिंदा कैसे बच गया? अरे बाप रे, अब नहीं बचेगा, चिंता मत कर, अब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं तू यहां पर सच्चाई को छुपा नहीं सकता, तू झूठा है और झूठ बाहर निकल के रहेगा। ऑलराइट गाइस, मुझे जल्द से जल्द गोल्डन एलिमेंटल एग इससे चुराना होगा। तू चुराएगा गोल्डन एलिमेंटल एग? रुक तुझे बताता हूं। गाइस ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो यहां से हिलने का नाम भी नहीं ले रहा है। अब देख मैं तुझे कैसे मसलता हूं। नहीं गाइस, आप प्लीज कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखिए मेरे लिए, यहां मेरी पूरी फैमिली खतरे में, हमारा नाम खतरे में, पूरी दुनिया खतरे में। ये तो बहुत बुरा मार रहा है। तड़प, चीख चीख के तड़प, मेरे सामने मजा आ रहा है। गाइस मुझे फिलहाल यहाँ से भागना होगा, मुझे और ताकतवर होकर इससे लड़ना होगा, तभी मैं गोल्डन एलिमेंटल एग ले जाऊंगा और इसको भी ले जाऊंगा, जिससे दुनिया के आगे एक गवाही दे। एक मिनट, ये ऊपर कौन है? गाइस ऊपर साइड तो स्काई गॉड है, ये स्काई गॉड आज पहली बार इतना नीचे आया धरती के पास, शायद गोल्डन लावा गॉड की मरने की वजह से इस पर भी कोई इफेक्ट हुआ है, इसी वजह से नीचे आया है। एक मिनट दोस्तों, ये स्काई गॉड की चेस्ट पर क्या है? ओ माय गॉड, ये तो प्योर गोल्ड है, और ये इतना सारा गोल्ड कहां से आया? मजा आ गया, मैंने गोल्डन लावा गॉड की बॉडी से गोल्ड चुरा लिया। ओ तो इस स्काई गॉड ने भी मेरे प्यारे गोल्डन लावा गॉड के साथ धोखा किया। ये ले, तू भी नहीं बचेगा, ये ले मैं तुझे मार दूंगा। अरे बाप रे, ये कौन मार रहा है मुझे? खैर मुझे कुछ नहीं होने वाला। अरे गाइस ये बहुत ऊंचाई पर है, इसको यहां से कुछ नहीं होगा। आइडिया, मैं काम करता हूं, यहां से उड़कर जाता हूं। क्या बात है गाइस, मुझे पता नहीं था कि मैं उड़ भी सकता हूं। खैर अच्छी बात है मैंने ये ट्राई किया, गोल्डन लावा गॉड का जितना भी गोल्ड है वो मेरा है, मैं उसका इस्तेमाल करके उसको इन
इंसाफ दिलाऊंगा, उसके भाई को यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा और अपने एवेंजर्स फैमिली को बचाऊंगा। ये क्या इतना सब कुछ दिया, कैसे पता कौन है तू? मैं हूँ फ्यूचर वाला ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड। और मार दिया। फाइनली गाइस मैंने स्काय गॉड के किए की सजा उसको दे दिए। अब जल्द से जल्द बस मुझे इसका जितना भी गोल्ड है वो चाहिए। ये देखिए गाइस मेरे प्यारे गोल्डन लावा गॉड का जितना भी गोल्ड है वो अब मेरे पास आएगा। जल्दी इसको ऐड करते हैं। वाह ये 90 मिलियन डॉलर का गोल्ड है गाइस। क्या 90 मिलियन डॉलर में मुझे कुछ बढ़िया सी चीज मिलेगी? खैर अब तो ये लैपटॉप ही मुझे बताएगा। ये खोला मैंने लैपटॉप। गाइस यहाँ पर एक सूट है सेकंड लास्ट वाला, वेयर आगे वाला तो 450 मिलियन का है और 90 मिलियन में कोई बुरी डील नहीं है। ये तो हूबहू गोल्डन लावा गॉड जैसा सूट दिखता है, हालांकि मैं छोटा हूं उससे। लेकिन गाइस मैं ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड हूं, इसलिए मैं पावरफुल भी हूं। अब यहां पर मैं आइस गॉड को नहीं छोड़ूंगा जिसने यहां पर मेरे भाई गोल्डन लावा गॉड को जान से मार दिया लालच के लिए और एवेंजर्स की फैमिली को फंसा दिया और मेरी को भी। इसलिए दोस्तों उसका इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अरे बाप रे तू वापस आ गया, इस बार मैं ताकतवर बन गया हूं। क्या कर लेगा? एक मिनट, ये तो तू यहां पर कोई खतरनाक अटैक मार रहा है। अरे नहीं प्लीज मेरे को छोड़ दे। ये ले और ये ले ये ले। अरे नहीं मेरे पैरों को क्यों कमजोर कर रहा है? अब ये होगा मेरा फाइनल ब्लो। अरे मार दिया। ऑल राइट गाइस मैंने यहां पर लिटरली मैं आइस गॉड का रियल रूप बाहर ले आया है। अब जल्दी से काम करता हूं, इस एलिमेंटल एग को लेता हूं और साथ साथ में इस आइस गॉड को पीट पीट कर अपने साथ ले जाता हूं। नहीं मेरे को छोड़, कहां लेकर जा रहा है? अब मैं तुझे दुनिया के पास लेकर जाऊंगा, वहां तुझे गवाही देनी होगी कि तूने ही लालच में आकर अपने भाई का सारा सोना चुराने के लिए गोल्डन लावा गॉड को मारा था। नहीं प्लीज मुझे मारना मत, जिसको चाहे मैं उसके सामने बोल दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे मरवाना मत। जो होगा अब तो दुनिया वाले तेरे लिए फैसला करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये आइस गॉड इस तरह से क्यों आ रहा है? बड़े भाई तो इस तरह से क्यों आ रहा है? अरे बाप रे छोटे भाई बचा मुझसे, मुझे बचा ले, ये ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड हमें मार देगा। लेकिन वो तो पहले ही मर गया। दोस्तों देखिए इस आइस गॉड ने चंद गोल्डन लावा गॉड के एलिमेंटल पावर्स के लिए अपने भाई को मार दिया। ये नहीं नहीं ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है, सच बताओ ना जान से मार दूंगा। हाँ ये सच कह रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अरे बाप रे हमने तो बेचारी अवेंजर्स की फैमिली और फ्रैंकलिन की फैमिली पे शक किया, अब तू बचेगा नहीं आइस गॉड। प्लीज मुझे माफ कर दो, अब तू नहीं बचेगा आइस गॉड, और फ्रैंकलिन हमें माफ कर दे। दुनिया तुझसे खुश हुई तेरी ईमानदारी से, इसलिए तुझे इतना पैसा देती है। क्या पूरी दुनिया ने मिलकर मुझे 450 मिलियन डॉलर दिए, वो भी माफी के लिए? क्या बात है गाइस, ये कहा मैंने अपना हक वापस पा लिया। अब समय आ गया है ऑल फादर गोल्डन लावा गॉड बनने का, जो कि मेरा सपना था बहुत टाइम से। गाइस अब मैं इस लास्ट सूट को खरीदने वाला हूं। गाइस मैं फाइनली ऑल फादर जायंट 3-हेडेड गोल्डन लावा गॉड बन चुका हूं। अब तो मेरी फ्रैंकलिन की फैमिली और मेरे अवेंजर्स की फैमिली भी ठीक हो गई। और देखिए गाइस ये है सिंचन एंड टोनी स्टार्क का सूट। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, तूने कमाल कर दिया। यहां बच्चे फ्रैंकलिन मुझसे खुश हुए, यही फेंकी भैया कमाल कर दिया। वाह भाई तो कलवे कूल लग रहा तू तो। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे